हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। ये है आपका, मेरा और अनअकैडमी का, अनअकैडमी यूपीएससी और अनअकैडमी यूपीएससी पर डेली इवनिंग मैं लेकर आता हूं आपके लिए इतिहास की कहानी। जी हां, इतिहास की कहानी आप सुनते हैं नंदन बाबा की जुबानी। इतिहास की कहानी की इस श्रृंखला में एक नया हमने अध्याय जोड़ा है। ये अध्याय है एंशियंट हिस्ट्री का, यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास का। और प्राचीन भारत के इतिहास की इस कहानी में जो सबसे अहम टॉपिक है, उसी से आज हमारी शुरुआत हो रही है यहाँ पर। तो सबसे अहम टॉपिक कौन सा है प्राचीन भारत के इतिहास का? सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्राचीन भारत के इतिहास का इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, जहाँ से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। आइए फटाफट से शुरू करते हैं अपने इस अमेजिंग सेशन को। एक बार जल्दी से सभी लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा, सो दैट बाकी के बच्चे भी हमारे साथ जुड़ सकें, है ना। तो आइए शुरू करते हैं इस अमेजिंग सेशन को और बात करते हैं काफ़ी सारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो इससे पहले कि मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में चर्चा शुरू करूँ, एक दो छोटी छोटी सी बातें हैं। पहली बात यह है कि अनअकैडमी की जो वेबसाइट है, वहाँ पे मेरा ये प्रोफाइल है, यहाँ जाकर मुझे फॉलो जरूर कर लें, सो दैट अनअकैडमी के ऐप पर जो भी मैं फ्री सेशंस लूँ, उन फ्री सेशंस को आप देख पाएँ, है ना। तो इस लिंक पर जरूर जाएँ और मुझे वहाँ पर फॉलो करें। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये हमारा टेलीग्राम चैनल है @arohan1, यहाँ पे आपको मेरे सारे सेशन के अपडेट्स मिलेंगे। ये हमारे यूट्यूब सेशन की टाइमिंग्स हैं और ये आज हमारे जो अनअकैडमी ऐप पे क्लास है उसकी टाइमिंग है। साधारणतः हमने ऐसा निर्णय लिया है कि इस क्लास को 8:15 बजे करेंगे, पर आज कुछ कारणवश चूंकि ये क्लास हमारी लेट शुरू हो रही थी, तो इस क्लास को भी हमने 9 बजे रखा है, सो दैट हम आराम से इत्मीनान से इसको कर पाए। तो दिस इज द टाइमिंग ऑफ द करंट अफेयर्स क्लास। इसके अलावा अनअकैडमी पे जो स्पेशल क्लासेस होते हैं, यानी कि अनअकैडमी के ऐप पे जो फ्री क्लासेस होते हैं, इनको जरूर अटेंड करें। ये बहुत बेहतरीन माध्यम है क्योंकि यहाँ पर आप बिल्कुल इंटरैक्टिव क्लास को कर पाएंगे। जैसे यूट्यूब पे आपके चैट होते हैं, वो मैं, है ना, अगर बीच में फ़ोन देखूंगा तभी देख पाता हूँ, वहाँ पर मेरी स्क्रीन पर ही आपके चैट आ रहे होते हैं, वहाँ पर पॉल्स हैं तो क्विजेस करने में बड़ा मज़ा आएगा। हम जो वहाँ पे सीरीज़ करते हैं वो भी क्विजेस का ही सीरीज़ है। MCQ के माध्यम से करंट अफेयर्स रिविज़न कर रहे हैं 1 ईयर का, और साथ में डेली करंट अफेयर्स भी करते हैं MCQ के माध्यम से। रेज हैंड बटन है, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप रेज हैंड कर सकते हैं, है ना। और नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे हमेशा मिलता रहेगा जब आप एक बार मुझे फॉलो कर लेंगे। मैंने अभी आपको अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक दिखाया था। लेक्चर के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, है ना, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे फीचर्स हैं स्पेशल क्लास के, मिस ना करें। आज 9 बजे स्पेशल क्लास में मुझसे जरूर जुड़ें, मुझसे जरूर मिलें। इसके अलावा UPSC कॉम्बैट जो है वो एक स्कॉलरशिप टेस्ट है, जो कि हम लोग हर रेगुलर इंटरवल पे करवाते हैं। 56 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको करने को मिलेंगे, जिसके लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। और अगर इसमें आपकी बढ़िया रैंक आती है, बढ़िया पोजीशन आती है, तो आप जीत सकते हैं अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट। रैंक 1 से लेकर रैंक 3 जो बालक आएंगे, उन बालकों को बिल्कुल कंप्लीटली 1 ईयर सब्सक्रिप्शन बिल्कुल 100% स्कॉलरशिप के रूप में मिलेगा। रैंक 4 से 10 जो आएंगे उनको 75% का स्कॉलरशिप, रैंक 11 से 50 वालों को 50% का स्कॉलरशिप, उसके बाद वालों को 25% का स्कॉलरशिप, और साथ में कई सारे प्राइजेस भी आपको मिलेंगे। तो अनअकैडमी कॉम्बैट में जरूर ज्वाइन करें। इस सेशन के खत्म होने के बाद जो अपना टेलीग्राम चैनल है वहां पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो जो नए बच्चे हैं वो जरूर एनरोल करें इसके लिए, है ना। ये हमारे कुछ फ्री टेस्ट सीरीज हैं, आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो अपना DN लाइव बोर्ड है इसको यूज करके, है ना, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एंशियंट हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ये चैप्टर है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इस पूरे चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। आज इनिशियल पोर्शन करेंगे और कल सेकेंड पोर्शन करेंगे। कल के सेशन में मेनली हम फीचर्स की बात करेंगे, आज कुछ इंपॉर्टेंट, है ना, पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो हमारा यहाँ पर फोकस इस चीज पर रहेगा कि प्रिलिम्स में जिस भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए, आप हर तरह के क्वेश्चन को एड्रेस कर पाए, है ना। तो जो छोटे से छोटा फैक्ट है, अगर वो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा जो मेंस है हमारा, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी, तो आपको किसी भी प्रकार की चिंता की जरूरत नहीं है। सबसे पहला सवाल ये कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसका लोकेशन क्या है, है ना। किसी भी सिविलाइजेशन को आप देखेंगे तो सबसे पहली बात जो हमें समझनी होती है, वो उसका लोकेशन क्या है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है, अगर इंडियन सबकॉन्टिनेंट में उसका लोकेशन देखें, तो नॉर्थ वेस्ट लोकेशन है, है ना। लोकेशन क्या है? लोकेशन इज नॉर्थ वेस्ट, है ना। तो नॉर्थ वेस्ट इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके नाम में ही है इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि हिंदी में बोलूं तो सिंधु घाटी सभ्यता।
अगर आप एंशंट है ना सिविलाइजेशंस को देखेंगे तो ह्यूमंस का जो लाइफ है ना, ह्यूमंस की जो जिंदगी है या आप कहिए जो लाइफस्टाइल है, उसमें नेचर का बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है ना, क्योंकि वी बेसिकली लिव इन इकोसिस्टम्स, राइट। और इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। तो मैन विथ इट्स सराउंडिंग है ना, मैन विथ इट्स सराउंडिंग मेक्स द व्हाट यू कैन से कंप्लीट होल, जिसको आप इकोसिस्टम कहते हैं ब्रॉडली डिफाइन करके। तो एक बात जाहिर सी थी कि ह्यूमंस वहीं पर एग्जिस्ट करेंगे जहां पर उनको सारे तरह की बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक है ना जो सुविधाएं हैं या एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो अवेलेबल होंगे। अब आप देखेंगे इंपॉर्टेंट अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या है। इंपॉर्टेंट अबायोटिक कंपोनेंट्स में सनलाइट है ना इज अवेलेबल बहुत सारी जगहों पर है ना, बहुत एबंडेंट मात्रा में सनलाइट अवेलेबल है। दूसरा एबायोटिक कंपोनेंट एयर है ना, जो कि लगभग लगभग है ना पूरे पृथ्वी पे आप कहीं भी चले जाएंगे एयर तो अवेलेबल है ही है। बहुत हाई एल्टीट्यूड पे चले जाएंगे तो एयर की डेंसिटी जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी, अदरवाइज जनरली स्पीकिंग लार्जली इट इज अवेलेबल है ना ऑन द सरफेस एनीवेयर, राइट। तीसरा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपको देखने को मिलेगा वो है प्रेसिपिटेशन का। तो आप देखेंगे जो सिविलाइजेशंस होंगे वो वही होंगे जहां पर प्रेसिपिटेशन होंगे। डेजर्ट एरिया में आप देखेंगे आज भी ज्यादा सिविलाइजेशंस नहीं होते। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन वी बेसिकली टॉक अबाउट प्रेसिपिटेशन, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विल बी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है ना, तो जल की उपलब्धता या पानी की उपलब्धता। तो जल या पानी की उपलब्धता हर जगह नहीं है, है ना, हर जगह नहीं है। और एंशियंट टाइम्स में है ना, एंशियंट टाइम्स में प्राचीन भारत में या प्राचीन काल में विश्व में आप किसी भी सभ्यता को देखें तो उस समय उनके पास इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी नहीं थी कि कहीं पे भी रह रहे हैं और कहीं और से वाटर सप्लाई करवा के है ना हजारों मील दूर वाटर सप्लाई करवा के हम जिंदगी बिता रहे हैं। तो आप देखेंगे जब बेसिक सिविलाइजेशन शुरू होते हैं तो वो सिविलाइजेशन हमेशा नदी के किनारे होंगे, क्योंकि बाकी रिसोर्सेस तो कई जगहों पर अवेलेबल हो सकते हैं बट वाटर एक ऐसा रिसोर्स है जो हर जगह अवेलेबल नहीं है। सो सिविलाइजेशंस विल ऑलवेज बी फॉर्म्ड अराउंड रिवर्स है ना। फॉर एग्जांपल यू सी इन अफ्रीका यू हैव द नाइल रिवर और व्हाट यू कॉल नील इन हिंदी, तो नाइल या नील की तरफ के चारों तरफ आपको सभ्यता देखने को मिलेगी। जब उसी प्रकार से आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखेंगे तो आपको जो सिंधु घाटी है वहां पर आपको सिविलाइजेशन देखने को मिलेगा। इससे ये बात साफ है कि लोगों के है ना जीवन में पानी वॉज अ इंपॉर्टेंट सोर्स और हो भी क्यों ना है ना। उस समय जो भी आप देखेंगे धीरे धीरे इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुरू हो रही है उसमें भी पानी के प्रति उनका डिपेंडेंस है, ठीक है। तो बेसिकली इकोसिस्टम सर्विसेज है ना, हम जब इकोलॉजी पढ़ते हैं तो बेसिक चैप्टर्स में आप पढ़ते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज जो है ना, इकोसिस्टम के जो फीचर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे है ना कि ह्यूमन सेटलमेंट्स कहां पर होंगे कहां पर नहीं होंगे उसको डिटरमाइन कर रहे हैं या उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, राइट। तो इसी प्रकार से हमारा जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एक रिवर है इंडस, और इस इंडस रिवर की 5 ट्रिब्यूटरीज हैं अभी है ना। कहा जाता है कि पुराने समय में एक और नदी हुआ करती थी जिसको कहते थे सरस्वती, ठीक है। तो कुल मिलाकर इंडस प्लस 5 और प्लस सरस्वती, तो यहां पर 7 नदी थी है ना, 7 नदी थी। तो लैंड ऑफ 7 रिवर्स था ये है ना, दिस वॉज कॉल्ड एज अ लैंड ऑफ 7 रिवर्स। तो बेसिकली इस लैंड ऑफ 7 रिवर्स पे आप देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन का उत्पत्ति हुआ, या आप कह सकते हैं अंग्रेजी में इवोल्यूशन हुआ, राइट। हरप्पन सिविलाइजेशन को सबसे पहले दयाराम साहनी साहब ने सबसे पहले इसका एक्सकवेशन किया 1921 में है ना। आप बोलेंगे सर कभी आप एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, आप कभी बोल रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन और कभी आप बोल रहे हैं हरप्पन सिविलाइजेशन है ना, ऐसा दो नाम आप प्रयोग क्यों कर रहे हैं है ना, दो नामों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं आप। तो दो नामों का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि चूंकि ये पूरी की पूरी सभ्यता सिंधु घाटी के तट पर थी इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते थे। पर जो सबसे पहला साइट जिसका एक्सकवेशन हुआ वो था हरप्पा का साइट है ना, और इसीलिए इस पूरी सिविलाइजेशन को हम क्या कहने लगे, हरप्पन सिविलाइजेशन कहने लगे। फॉर एग्जांपल डे टू डे लैंग्वेज में हम लोग एक टर्म यूज करते हैं सर्फ है ना, तो सर्फ डालना है वॉशिंग मशीन में, सर्फ डाल दो, बट आई होप कि एवरीवन नोज दैट सर्फ इज बेसिकली अ ब्रांड, पर्टिकुलर ब्रांड है ना। एक्चुअली जो पाउडर आप डाल रहे हैं दैट इज डिटर्जेंट पाउडर, राइट।
बट सिर्फ एक पॉपुलर ब्रांड है तो आपने वही बोल दिया. फॉर एग्जाम्पल मेनी पीपल वुड से है ना कोलगेट कर लेते हैं, राइट? तो कोलगेट इज पॉपुलर ब्रांड, तो दैट हैज बीन सिनोनिमस टू टूथपेस्ट. सिमिलरली हरप्पा वॉज बेसिकली द फर्स्ट साइट, इसीलिए पूरे के पूरे सिविलाइजेशन को ही हम हरप्पन सिविलाइजेशन बोल देते हैं, राइट? दिस शुड बी वेरी क्लियर. पॉइंट टू बी नोटेड हियर बिफोर वी प्रोसीड इज कि हरप्पा वॉज ऑब्वियसली द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड, बट हरप्पा वॉज नॉट द लार्जेस्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड, है ना? हरप्पा सबसे बड़ा साइट नहीं था. इस वीडियो के कमेंट में, इस सेशन के खत्म होने के बाद, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि व्हाट वाज द लार्जेस्ट हरप्पन साइट और विच वाज द लार्जेस्ट हरप्पन साइट. ठीक है, आप देखेंगे कि हरप्पा का जो साइट एक्सकवेशन किया गया, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो सिविलाइजेशन मिलने शुरू हुए, तो लोगों को बहुत जल्दी समझ में आ गया कि जो एंशियंट इजिप्ट और मेसोपोटामिया के सिविलाइजेशन है, उन सिविलाइजेशन से कहीं ज्यादा बड़ा ये हरप्पन सिविलाइजेशन रहा, है ना? 2500 BC के आसपास टाइम पीरियड आप डेट कर सकते हैं इसका, है ना? 2500 BC या 2600 BC भी कह सकते हैं. अलग अलग है ना बुक्स जो हैं वो, अलग अलग ऑथर्स जो हैं, अलग अलग हिस्टोरियंस जो हैं वो अलग अलग टाइमलाइन बताते हैं. तो समवेयर अराउंड 2500 टू 2600 का टाइम पीरियड हम कह सकते हैं, मतलब आज से, है ना, 2500 BC की बात कर रहे हैं, मतलब आज से लगभग लगभग 4500 वर्ष, है ना, 4500 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं हम. तो आप इसका अगर स्प्रेड देखेंगे तो आज का जो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हमें देखने को मिलेगा. अभी रिसेंट टाइम्स में जो हमारा उत्तर प्रदेश वगैरह का क्षेत्र है, है ना, यहाँ पर भी आपको कई सारे साइट्स देखने को मिलेंगे. अगर आप इसके ज्योग्राफिकल एक्सटेंट की बात करेंगे, है ना, तो जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट था इसका, वो था मांडा. सबसे नॉर्दर्न मोस्ट, है ना, जो साइट था सबसे उत्तर में जो साइट था वो मांडा था, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है. अगर आप बिल्कुल साउथ की साइट देखें तो महाराष्ट्र का जो दाइमाबाद है वो बिल्कुल इसका साउथ का पॉइंट था, है ना. ईस्टर्न मोस्ट साइट है उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर, और वेस्टर्न मोस्ट साइट है पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर पर स्थित, है ना, सुतका गेंदोर. ठीक है, तो सुतका गेंदोर सबसे ज्यादा पश्चिम में स्थित साइट है उत्तर प्रदेश में, आलमगीरपुर सबसे ज्यादा पूर्व में स्थित साइट है, बिल्कुल नॉर्थ में कौन सा है, जम्मू कश्मीर का मांडा, और बिल्कुल साउथ में है महाराष्ट्र का दाइमाबाद. इस जो आपको मैं चार बिंदु बता रहा हूं, इन चार बिंदुओं से आपने शायद अनुमान लगा लिया होगा कि व्हाट वाज द स्केल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, व्हाट वाज द वास्टनेस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन. ये कोई छोटी मोटी सिविलाइजेशन नहीं थी, ये सिविलाइजेशन बहुत ही बड़ी थी. एंड व्हेन यू लुक एट द एक्सटेंट ऑफ द सिविलाइजेशन, वन थिंग इज क्वाइट इविडेंट कि इतने बड़े सिविलाइजेशन में शायद हो सकता है एक टाइम तक, है ना, एक ही टाइम पर पूरे सिविलाइजेशन में विस्तार नहीं रहा हो. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का आप देखेंगे ग्रेजुअल इवोल्यूशन शायद हुआ होगा, है ना. इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम तीन स्टेजेस की बात कर सकते हैं. कुछ साइट्स जो हैं वो अगर अर्ली स्टेज में थे, तो कुछ साइट मैच्योर स्टेज में थे, कुछ साइट जो हैं वो लेटर हरप्पन स्टेज में थे. हालांकि कुछ ऐसे भी साइट्स हैं जो तीनों स्टेज में प्रेजेंट थे, जहां पर तीनों स्टेज में सेटलमेंट थे, जहां पर तीनों स्टेज में सिविलाइजेशंस थी. इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो उत्पत्ति है, इवोल्यूशन है, वो अपने आप में इस बात का गवाह देती है कि भारत की जो कल्चरल हिस्ट्री है वो कितनी रिच है. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के नॉर्दर्न मोस्ट, साउदर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट साइट्स आपको याद रहेंगे. अगर मैं बात करूं कि आखिर ऐसा क्या खास है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग फीचर्स क्या हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, तो सबसे पहला जो फीचर आपको बिल्कुल अचंभित कर देगा वो फीचर है इंडस वैली सिविलाइजेशन का सिस्टमैटिक टाउन प्लानिंग, है ना, ऑन द लाइंस ऑफ द ग्रिड सिस्टम. अब आप बोलेंगे ग्रिड सिस्टम क्या होता है. अगर आप कभी जो हमारा गुलाबी शहर जयपुर है वहां जाएं, या कभी आप चंडीगढ़ जाएं, है ना, चंडीगढ़ इज अ प्लैंड सिटी. जयपुर जो पुराना जयपुर है वो भी प्लैंड सिटी है ना, राजा महाराजाओं के जमानों का, जो राजपूत राजाएं हैं उनके जमाने का, जो वॉल्ड जयपुर सिटी है ना, जो मतलब जयपुर की, जो पुराने जयपुर की जो चार दीवारी के अंदर जो शहर बसा हुआ है ना, गुलाबी नगरी, जो एक्चुअल गुलाबी नगरी है, उसको अगर आप देखेंगे तो काफी प्लैंड सिटी है. जैसे जयपुर में एक स्पॉट है नाहरगढ़ फोर्ट. अगर आप नाहरगढ़ फोर्ट की प्राचीर से नीचे शहर को देखेंगे तो आप पाएंगे कि शहर जो है वो बिल्कुल, है ना, ऐसा है ना, ऐसा. अब आप बोलेंगे कि सर ये क्या सिस्टम है भैया, तो जो सेटलमेंट्स हैं, जो सेटलमेंट्स हैं वो यहाँ पे बसे हुए हैं,
है ना, जो सेटलमेंट्स हैं वो यहाँ पर बसे हुए हैं, और जो गलियां हैं, जो रास्ते हैं, जो रोड हैं, आप देखेंगे वो बिल्कुल राइट एंगल पे कटते हैं, है ना, रास्ते जो है वो बिल्कुल राइट एंगल पे कटते हैं और बिल्कुल एक प्रॉपर पैटर्न से यहाँ पे जो पूरा सेटलमेंट है वो बना हुआ है। इसी को हम कहते हैं ग्रिड जैसा सिस्टम, है ना, ग्रिड लाइक पैटर्न। तो यही सिस्टम जो अब चंडीगढ़ में है, मॉडर्न टाइम में चंडीगढ़ में बना, है ना, मेडाइवल से मॉडर्न के बीच में आपने जयपुर में इसका इवोल्यूशन देखा, वो लगभग लगभग 4500 वर्ष पूर्व हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें देखने को मिलता है, है ना। तो ग्रिड जैसा सिस्टम यहाँ पर देखने को मिलता है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो टाउन प्लानिंग है वो हमें अचंभित करती है। बिल्कुल एग्जैक्ट रेक्टेंगुलर पैटर्न पे स्ट्रीट्स दिखते हैं, एग्जैक्ट 90 डिग्री पे गलियां कटती हुई आपको दिखती हैं, और यही सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग फीचर है, क्योंकि उस समय में, है ना, हम ऐसा अनुमान भी नहीं लगा सकते कि ऐसे क्या इंजीनियरिंग के टूल्स थे उनके पास, है ना, ऐसे क्या स्किल्स थे जिसकी माध्यम से उन्होंने इतनी एक्यूरेट, है ना, इतनी शानदार टाउन प्लानिंग करी। तो एक तो फीचर ये हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर जो आप देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो है बर्नट ब्रिक्स का यूज कंस्ट्रक्शन में, है ना। अगर आप एंशंट हिस्ट्री को देखें तो इंडस वैली पीरियड के बाद एक ऐसा समय आएगा जिस समय आपको गैप देखने को मिलेगा, है ना। उसके बाद की जब आप बात करेंगे, वैदिक पीरियड है, लैतर वैदिक पीरियड है, तो आपको कई जगहों पर उनमें बर्नट ब्रिक नहीं देखने को मिलेंगे। बर्नट ब्रिक से क्या मतलब है, मतलब भट्टी की आंच में, भट्टी की आंच में मतलब जैसे आप तंदूरी रोटी खाते हैं ना, तो तंदूर की आंच जो होती है, तो वैसी आंच में पकी हुई ईंट, है ना। ईंट जो है वो वैसे तो मिट्टी से बनती है, आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा, वहां पे आपने पढ़ा होगा कि लैटराइट सॉइल्स के, है ना, बने हुए ईंट जो होते हैं वो उच्च क्वालिटी के ईंट होते हैं। तो जो मिट्टी की बनी हुई ईंट है, साधारण तौर पे जो बहुत एडवांस्ड सिविलाइजेशंस नहीं है, वहां पर आप देखेंगे सीधा मिट्टी की बनी हुई ईंटों को जोड़कर, है ना, मकान बना दिए जाते थे। पर इंडस वैली सिविलाइजेशन में सीधा, है ना, मिट्टी के बने हुए ईंट को डायरेक्ट प्रयोग में नहीं लेते थे, उनको पहले भट्टी में पकाते थे, है ना, फर्नेस में उनको पकाते थे, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा बढ़ जाती थी और तब उसका प्रयोग करते थे। आज भी हम यही सिस्टम फॉलो करते हैं, आज भी जो हमारी ब्रिक्स हैं दे आर बर्नड ब्रिक्स। इसके साथ ही एक बहुत, है ना, अचंभित कर देने वाला फीचर यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम था। जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में हरप्पा जैसे शहर के ड्रेनेज सिस्टम को देखेंगे तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम जो है वो अंडरग्राउंड था। आप आज भी बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, है ना, इवन उत्तराखंड या राजस्थान के कई सारे शहरों में जाएंगे तो आप देखेंगे सड़कों पे, रोड के किनारे में नालियां हैं, बारिश का मौसम आएगा, है ना, तो नालियों में से पानी निकलकर सड़क पर आने लगता है। कई बार ड्रेनेज में आप देखेंगे क्लॉगिंग हो जाती है। आप देखेंगे अर्बन जो हमारे एरियाज हैं, मेट्रोपॉलिटन्स हैं, चाहे वो दिल्ली ही क्यों ना हो, चाहे वो बेंगलोर ही क्यों ना हो, है ना, गुड़गांव ही क्यों ना हो, इनमें अर्बन फ्लडिंग एक बहुत कॉमन समस्या है। अर्बन फ्लडिंग का एक बहुत बड़ा कारण है कि ड्रेनेज सिस्टम का प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होना। पर ये तब की बात है जब 21st सेंचुरी में हमारे पास दुनिया भर की टेक्नोलॉजीज हैं और हम 4500 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, और उस 4500 वर्ष के पहले के सिविलाइजेशंस में आप देखेंगे बिल्कुल प्रॉपर बने हुए नालियां हुआ करती थी, है ना, प्रॉपर बने हुए ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज आप देखेंगे कि लोगों के घर पहले बन जाते हैं, है ना, जिस kind of haphazard development that we are going to do, the kind of mindless urbanization we are doing in the Indian subcontinent presently in our major cities, whether it is India or it is Bangladesh or it is Pakistan, है ना, तो आप देखेंगे लोगों के घर पहले बन जाते हैं, फिर सड़क बनती है, फिर सड़क टूटती है, उसके बाद वहां पर ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था होती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसा नहीं था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में पहले ड्रेन्स बनाए जाते थे, उसके बाद वो गली बनती थी, फिर जाकर घर बनाए जाते थे। तो एक सिस्टमैटिक प्लानिंग आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिलता है, एक यूनिफॉर्म सिस्टमैटिक प्लानिंग आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहली बात क्या हो गई कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो घरों के बनने से पहले बनता था, दूसरी बात ड्रेनेज सिस्टम अंडरग्राउंड था, तीसरी बात ड्रेनेज सिस्टम जो हुआ करता था वो ऐसा हुआ करता था साइड में, है ना, साइड में यहाँ पे बर्नड ब्रिक्स लगाते थे, ठीक है, साइड में यहाँ पे बर्नड ब्रिक्स लगाते थे, और ऊपर जो है ना, ये वाला जो पोर्शन है ये रिमूवेबल ढक्कन होता था, है ना, रिमूवेबल होता था,
रिमूवेबल होने का क्या तात्पर्य है? रिमूवेबल होने का तात्पर्य यह है कि उस ढक्कन को हटाकर इस ड्रेन की साफ सफाई हो जाती थी, है ना, इस ड्रेन की साफ सफाई हो जाती थी। तो इस प्रकार का, है ना, इस प्रकार का यहाँ पर एक ड्रेनेज सिस्टम जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको बहुत एडवांस ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलेगा। इंटरेस्टिंगली जो घरों के अंदर कुएं होते थे या जो घरों के अंदर शौचालय होता था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हर घर में शौचालय होते थे, है ना, हर घर, एवरी हाउस यूज टू हैव वॉशरूम, है ना, और हर घरों का जो शौचालय होता था वो शौचालय की दीवार, है ना, शौचालय की जो वॉल है वो और गली जो है वो एक साइड होनी चाहिए थी। मतलब शौचालय हमेशा बाहर की तरफ होता था, सो दैट सीधा शौचालय से पानी निकलकर गली में, है ना, लेट अस से कि ये एक गली है, ठीक है, ये एक बड़ा सा घर है, तो इस घर में शौचालय जो है वो कहां पर होगा, वो हमेशा यहीं पर होगा, सीधा यहां से पाइप निकल के इस ड्रेन में चला जाएगा, ठीक है। तो फॉर एवरी हाउस दिस वॉज मैंडेटरी कि शौचालय जो है उसकी दीवार जो है वो गली के साइड हो, ठीक है, सो दैट पानी सीधा, है ना, ड्रेन में जाकर निकल जाए। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में इस प्रकार से ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था थी। ड्रेनेज सिस्टम में, है ना, रेगुलर क्लीनिंग वगैरह के लिए भी मैकेनिज्म था, राइट। तो दिस इज अगेन अ वेरी स्ट्राइकिंग फीचर। इंडस वैली सिविलाइजेशन में अर्बन फ्लड्स तो नहीं हुआ करते थे, कम से कम ड्रेनेज के मिसमैनेजमेंट की वजह से तो नहीं हुआ करते थे, ठीक है जी। कंफर्टेबल समझ गए यहां तक की बात। दूसरी बात यह है कि आप देखेंगे तो इनकी अपनी पॉटरीज हैं, इनके अपने स्क्रिप्ट्स हैं, इनके अपने सील्स हैं। तो आर्ट एंड क्राफ्ट के हर क्षेत्र में, हर विधाओं में इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग बिल्कुल निपुण थे और इनका एक अपना टेस्ट था। और उस टेस्ट में आपको एक चीज, कॉमन चीज जो देखने को मिलेगी कि ऑल अक्रॉस द सिविलाइजेशन, ऑल अक्रॉस द एंटायर इंडस वैली सिविलाइजेशन, यू विल फाइंड समथिंग व्हाट यू कैन से कि यूनिफाइंग फैक्टर था कुछ, है ना, पूरे जितना भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का था, अगर आप ब्रिक की साइज को देखेंगे, ईंट की साइज को देखेंगे, तो पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में सेम साइज का ब्रिक हुआ करता था। कहीं ना कहीं ये सेम साइज का ब्रिक एक तरह के क्राफ्ट्स, है ना, एक तरह की चीजों की पॉपुलैरिटी, एक तरह की चीजों में निपुणता, है ना, आप देखेंगे बीड मेकिंग इज अ वेरी कॉमन इंडस्ट्री इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना, इंडस वैली के कई सारे साइट्स में बीड मेकिंग इंडस्ट्री आपको देखने को मिलेंगे, है ना, कई सारे साइट्स में आपको टेराकोटा इंडस्ट्री देखने को मिलेंगे, तो टेराकोटा बीड्स, है ना, तो आप देखेंगे कि यूनिफॉर्मिटी है कहीं ना कहीं, जो एक कल्चरल यूनिफॉर्मिटी था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जो एक सोशल यूनिफॉर्मिटी है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो ये भी दर्शाता है कि शायद पॉलिटिकल यूनिटी भी हुआ होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो परहैप्स, है ना, ऐसा कुछ बिल्कुल हमारे पास पक्का वाला सोर्स तो नहीं है, पर ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि पूरा का पूरा जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो शायद एक यूनिफाइड रूल के अंदर हो, एक अम्ब्रेला रूल के अंदर हो, एंड दैट वाज द पॉसिबल रीजन फॉर फॉर द पॉलिटिकल यूनिफिकेशन एंड कल्चरल यूनिफॉर्मिज्म, है ना, कल्चरल यूनिफॉर्मिज्म, ठीक है, सोशल यूनिफॉर्मिज्म। आप देखेंगे जो वेट्स एंड मेजर्स इंडस वैली सिविलाइजेशन में यूज किए जाते हैं, जिसको आप बटखरा बोलते हैं, एक किलो का, है ना, आधा किलो का, वो भी पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, आज ना हम स्टैंडर्ड, है ना, एसआई की बात करते हैं, एसआई यूनिट्स की बात करते हैं, उस समय तो मेजरमेंट्स के लिए इस प्रकार का कोई एसआई यूनिट नहीं था। बावजूद इसके, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, पूरे, है ना, सिविलाइजेशन में एक ही स्टैंडर्ड चलता था, दैट मीन्स एसआई सिस्टम जैसा अपना कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन का था। तो जाहिर सी बात है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग काफी ज्यादा एडवांस थे, राइट। तो अपनी खुद की पॉटरी है उनका, खुद का सील्स हैं, खुद के स्क्रिप्ट्स हैं। आप देखेंगे जो भी ट्रेड होता है, है ना, सील्स का प्रयोग कहाँ करते हैं वो लोग, सील्स का प्रयोग मल्टीपल जगहों में करते हैं। जैसे जो ट्रेड होता है, मान लीजिए मैं आपको, है ना, व्यापार की दृष्टि से कुछ भेज रहा हूं, या मैं आपको कोई सूचना भेज रहा हूं, मैं आपको कुछ वस्तु भेज रहा हूं, तो लेट अस सपोज कि एक बैग में मैंने पैक कर दिया और बैग के ऊपर मैं सील लगा दिया था, है ना, सो दैट अगर फॉर एग्जाम्पल आपने वो मूवी देखी होगी थ्री इडियट्स, है ना, तो क्वेश्चन पेपर जब चुराते हैं तो उसपे, है ना, एक सील लगा हुआ होता है गम का, तो उसको हटाते हैं, राइट। तो वैसा ही सील होता था, अगर वो टेम्पर हो गया, है ना, मैंने आपको भेजा, आपके घर आते आते वो टेम्पर हो गया, मतलब बीच में किसी ने खोल लिया, है ना, अगर वो टेम्पर नहीं हुआ मतलब सही सलामत आप तक पहुंचा है।
तो वहां पे भी सील लगाए जाते थे। सील्स को लोग उस समय, चूंकि जादू टोना जैसी भी कुछ चीजें इंडस वैली सिविलाइजेशन में थी, तो आप देखेंगे गले में भी पहना करते थे सील्स को, ठीक है। तो मल्टीपल यूज इन सील्स का था। जो स्क्रिप्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, है ना, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी फीचर्स के बारे में हम एक ओवरऑल डिस्कशन कर रहे हैं, डिटेल डिस्कशन फिर से करेंगे। स्क्रिप्ट जो है आप देखेंगे उस स्क्रिप्ट को अभी तक डिसाइफर नहीं किया गया है, और वो स्क्रिप्ट ऐसा था, है ना, मतलब लेफ्ट से शुरू करते हैं, राइट तक लिखते हैं, राइट से फिर वापस से लेफ्ट में आते हैं, फिर ऐसे ऐसे, तो ये सिस्टम चल रहा था, है ना, ये सिस्टम चल रहा था वहां के स्क्रिप्ट में, ठीक है जी। तो दिस इज द सिस्टम इन द स्क्रिप्ट, राइट सर, ठीक है जी। ऐसा स्क्रिप्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन का है, और इस स्क्रिप्ट को अभी तक डिसाइफर हम लोग नहीं कर पाए, है ना, इस स्क्रिप्ट को हम लोग अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाए। इन सारे फीचर्स के बारे में हम डिटेल में भी डिस्कशन करेंगे कल की क्लास में, आज तो मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं आपको, है ना। फोर्टिफाइड सीटाडेल, है ना, चन्नूदारो साइट को छोड़ के आप देखेंगे हर जगह पे एक फोर्टिफाइड सीटाडेल। अब आप बोलेंगे सीटाडेल क्या है? सीटाडेल जो है आप देखेंगे जो भी शहर हुआ करते थे यहाँ पे, जो अर्बन सेंटर्स हुआ करते थे, उन अर्बन सेंटर्स के वेस्टर्न पोर्शन में, पर्टिकुलरली नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन में, है ना, एक विशेष क्षेत्र हुआ करता था जहां पे शायद जो रूलिंग क्लास है, या जो बिजनेस क्लास है, या जो आप कह सकते हैं इलीट क्लास है, वो रहता था। तो ये सीटाडेल थोड़ी ऊंचे, है ना, जगह पर स्थित होता था, और एक वॉल्ड सिटी हुआ करता था ज्यादातर। तो ज्यादातर शहरों में आपको सीटाडेल देखने को मिलेगा, शहर दो भागों में डिवाइडेड होता था। चन्नूदारो में सीटाडेल नहीं है, दो साइड्स आपको याद रखना है, एक चन्नूदारो जहां पर सीटाडेल नहीं है, ज्यादातर शहर जो है वो दो भागों में बटा होते थे, पर अभी रिसेंटली एक जो शहर है जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का टैग मिला है, यानी कि धोलावीरा का जो साइट है, वो दो नहीं बल्कि तीन भागों में बटा हुआ है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो दो फैक्ट्स मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, चन्नूदारो में फोर्टिफाइड सीटाडेल नहीं है, और धोलावीरा में शहर जो है वो दो नहीं बल्कि तीन हिस्सों में बटा हुआ है। आई होप कि ये बेसिक बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर यहां तक की सारी डिस्कशंस आपको समझ में आ गई हैं, तो एक बार मुझे थम्स अप करके बता दें। इस सेशन को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें, और अगर शेयर भी नहीं किया है तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही, है ना, हम अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म को क्रिएट कर रहे हैं। आपके सपोर्ट से ही हम ये हिम्मत कर पाते हैं कि हम फ्री एजुकेशन में भी बच्चों को क्वालिटी कंटेंट दे पाएं। अगर आपका प्यार मिलेगा, आपका सपोर्ट मिलेगा, तो हम नए नए टीचर्स जोड़ते रहेंगे। कल एक बच्चे का यहीं पे इस सेशन के ही वीडियो में कमेंट आया था कि सर सीसेट की भी क्लास करवा दीजिए। तो सीसेट की क्लास मैंने ऑलरेडी शुरू करवा दिया है, है ना, हमने टीम से डिस्कस किया था और ये चीज़ ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। थोड़े दिनों पहले ही हमने आपको इसके बारे में जानकारी भी दी थी। 10 बजे, है ना, 10 AM पे सीसेट की क्लास रोज इसी यूट्यूब चैनल पर होती है इम्तियाज सर की, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारी हमेशा कोशिश होती है अनअकैडमी की कि हम आपको बेस्ट पॉसिबल चीजें दे पाएं अपने एंड से, है ना, हम अपनी तरफ से कोई भी कुताही नहीं छोड़ें, आपको अपनी पढ़ाई को बिल्कुल सुदृढ़ करना है हमारे साथ, ठीक है। चलिए, तो स्ट्राइकिंग फीचर्स के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भैया फेजेस क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन के, व्हाट आर द फेजेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। जब आप फेजेस की बात करेंगे तो आप देखेंगे तीन पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, पहला है अर्ली, है ना, दूसरा है मैच्योर, और तीसरा है लेट, ठीक है, अर्ली, मैच्योर और लेट। तो आप देखेंगे अर्ली हरप्पन सिविलाइजेशन जो है उसका टाइम पीरियड कहीं ना कहीं 3300 से लेकर 2600, या कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं 2500 के आसपास, ठीक है, 3300 से लेकर 2600 के आसपास तक। जो मैच्योर है उसका टाइम पीरियड 2600 से 1900 के आसपास, और जो लेटर है उसका टाइम पीरियड 1900 से लेकर 1300 के आसपास। ये सब हम लोग बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहे हैं, है ना, ये सब हम लोग बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो अर्ली, मैच्योर और लेट फेज, ठीक है जी, ब्रॉडली हमने तीन फेज में इसको कैटेगराइज कर दिया है, ठीक है जी। सीसेट सुबह 10 बजे इसी यूट्यूब चैनल पे, ठीक है जी, ठीक है, कंफर्टेबल गाइस, आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइट्स हैं एक बार उन पर नजर डालते हैं, और कौन सा साइट कौन सी नदी के किनारे बैठा हुआ है ये भी जानने की कोशिश करेंगे, और उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हमें एक्सकवेशन के समय पे मिली, है ना, क्या क्या हम रिकंस्ट्रक्ट कर पाए हैं ये जानने की कोशिश करते हैं, एक स्नैपशॉट देखते हैं। इसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स पर मैंने कुछ दिनों पहले एक और सेशन लिया था, है ना, उस सेशन का लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन करवा दूंगा, आप उस सेशन को भी जरूर देखिएगा। उसमें मैंने बिल्कुल डिटेल में डिस्कशन किया है सारे इंडस वैली के साइट्स के बारे में, है ना,
बहुत ज़्यादा डिटेल में, यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया है, तो उस वीडियो को मैं यहाँ पे कमेंट में दिलवा दूंगा, आप वो जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर एक साइट जो सबसे पहले देखा गया वो था हरप्पा का साइट। हरप्पा का साइट इंडस की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है रवि रिवर या रावी रिवर, तो रावी के तट पर मिला था, है ना, रावी के तट से बिल्कुल करीब में ही है, अभी कुछ डिस्टेंस है हालांकि साइट में और रावी नदी के बीच में। तो ऐसा माना जाता है कि रावी ने कालांतर में अपना जो कोर्स है वो शिफ्ट कर लिया होगा, पहले इस साइट के बिल्कुल पास रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ग्रैनरीज मिलेगा। अब आप बोलेंगे सर ग्रैनरीज क्या है, ग्रैनरीज बेसिकली अन्न का भंडार है, है ना, जहाँ पे खाद्यान्न या आप कहिए जो धान है फसल है उसको उसका भंडारण किया जाता है उसको ग्रैनरीज बोलते हैं। यहाँ पे आपको रेड सैंडस्टोन से बने हुए मेल टोर्सो की फोटो देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको स्टोन सिंबल्स देखेंगे लिंगम के और योनि के, है ना, लिंगम एंड योनि आर बेसिकली द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ मेल एंड फीमेल, ठीक है। लिंगम और योनि के जो स्टोन सिंबल्स हैं यहाँ पे वो ये सिंबलाइज कर रहे हैं कि सृष्टि किस प्रकार से होती है, सृष्टि मीन्स क्रिएशन, है ना, ये जो पूरा अर्थ है ये हमारा ये किस प्रकार से चलता है, राइट। तो देखेंगे कि देवर क्वाइट ओपन माइंडेड पीपल, है ना, जो कि लिंगम और योनि के भी पूजन में विश्वास रखते हैं, राइट। तो इन चीजों को ओपन डिस्प्ले कर रहे हैं ये लोग, राइट। पेंटेड पॉटरी देखने को मिलेगा, आपको मदर गॉडेस देखने को मिलेंगी और डाइस, है ना, जो शकुनी मामा खेलते थे डाइस, ठीक है, चौसर, है ना, जो आप लूडो में खेलते थे छे आ जाओ छे आ जाओ, है ना, तो वो वाला डाइस भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मदर गॉडेस की प्रतिमा भी देखने को मिल रही है आपको, है ना, योनि और लिंगम के स्टोन सिंबल्स भी देखने को मिल रहे हैं। मेल टोर्सो, टोर्सो मेल टोर्सो इज बेसिकली हाफ बस्ट, है ना, इतना सा इमेज है बस, इतना सा बस्ट वाला इमेज जो आप बोलते हैं। तो हरप्पा एक इंपॉर्टेंट साइट है। दूसरा इंपॉर्टेंट साइट मोहनजोदारो, इसको आर डी बनर्जी ने 1922 में डिस्कवर किया था हरप्पा के बाद, है ना। ये लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, बट ये साइट जो है ये पाकिस्तान की तरफ है, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। आप इस वीडियो के कमेंट में मुझे ये बताइए कि इंडिया में सबसे बड़ा साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन का कौन सा है। वीडियो जब खत्म हो जाए तो कमेंट में मुझे ये जरूर बताइएगा, ठीक है। तो लार्जेस्ट साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन का पोस्ट क्रिमेशन ब्यूरियल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, है ना, क्रिमेशन के बाद ब्यूरियल की व्यवस्था थी। यहाँ पे ग्रेट ग्रैनरी था। अब आप देखो एक डिफरेंस देखने को मिलेगा, हरप्पा में आपको कई सारे ऐसे अन्न के भंडार देखने को मिलेंगे, है ना, मल्टीपल, बट मोहनजोदारो में आपको एक बहुत बड़ा एक बहुत वृहद सा अन्न का भंडार देखने को मिले। दोनों चीजें ये सिंबलाइज कर रही हैं कि इन शहरों की पॉपुलेशन जो है वो अच्छी खासी थी, पॉपुलेशन अच्छी खासी थी तभी इतने अंड के भंडारण की जरूरत पड़ रही है। बेसिकली ग्रैनरीज आर फॉर बफर स्टॉक, है ना, ग्रैनरीज आर मेंट फॉर बफर स्टॉक, ठीक है जी। पर्पस क्या है इनका, इनका पर्पस है बफर स्टॉक, ठीक है जी, इनका पर्पस क्या है, बफर स्टॉक, ठीक है। कंफर्टेबल है सर यहां तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। आगे चले, आगे चले, आ जाइए, चलिए आगे चले जाए। तो यहां पे आपको पोस्ट क्रिमेशन ब्यूरियल दिखा, ग्रेट ग्रैनरी दिखा, और साथ ही साथ एक स्ट्राइकिंग फीचर यहाँ का है ग्रेट बाथ, जो कि इस पूरे के पूरे सिविलाइजेशन का, है ना, पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा बिल्डिंग है। ग्रेट बाथ क्या है, अब जैसे भारत में कई सारी जगहों पर जाएंगे, जैसे स्वर्ण मंदिर जाएंगे तो स्वर्ण मंदिर में साइड में सरोवर है, है ना। आप साउथ इंडिया के टेम्पल्स जाएंगे तो जो द्रविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है, उस द्रविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि टेम्पल प्रीमाइसेस में यू विल फाइंड पॉन्ड, है ना, वाटर रिजर्वायर आपको देखने को मिलेगा, राइट। मोर ओवर अगर आप नॉर्थ इंडिया की बात करें तो वी हैव रिचुअल्स ऑफ बादिंग इन गंगा, है ना, गंगा में स्नान का, प्रयाग में जो गंगा यमुना का जहाँ पे संगम है, प्रयागराज जिसको आप कहते हैं, वहाँ पे स्नान का, गंगा की जो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज मिलते हैं कर्ण प्रयाग देव प्रयाग इत्यादि, वहाँ पे स्नान का काफ़ी ज़्यादा महत्व है, है ना। स्नान का जो हमारा सनातन धर्म है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और आप देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे सनातन धर्म था या नहीं था इसके बहुत क्लियर एविडेंसेस तो नहीं है, बट स्नान का इंपॉर्टेंस वहाँ पर भी था। और इसी, है ना, जो रिचुअल बाथ आप जिसको कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ अभी कुंभ का स्नान होता है ना, तो जो रिचुअल बाथ आप जिसको कहते हैं, रिचुअल बाथ के लिए ये ग्रेट बाथ
नामक बिल्डिंग जो है यहाँ पर बनाई गई थी। और ये ग्रेट बाथ जो है ये अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल है ना, दिस इज अ इंजीनियरिंग मार्वल इन इटसेल्फ। क्योंकि आप देखेंगे जैसे आज हमारे स्विमिंग पूल वगैरह बनते हैं तो उसमें होता है ना भाई, नीचे से पानी निकलने का भी सिस्टम है, आने का भी सिस्टम है, तो वो सारा सिस्टम यहाँ पर बना हुआ था। आसपास मल्टीपल रूम्स बने हुए थे जहाँ पे से पानी इकट्ठा होकर फिर इसमें जाता था, है ना, फिर इसकी क्लीनिंग की भी व्यवस्था थी। इसके चारों तरफ से स्टेयर्स बने हुए थे, इसमें नॉर्थ और साउथ से स्टेयर बने हुए थे, है ना, जो कि बेसिकली धीरे 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 उतर के बीच में आप कुंड में चले जाते, ऐसा पूरा का पूरा सिस्टम था, राइट। तो काफ़ी एडवांस स्ट्रक्चर और सबसे बड़ा स्ट्रक्चर पूरे सिविलाइजेशन का, पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर था ये। यहाँ पे आपको पशुपति सील भी देखने को मिलता है। पशुपति जो है वो आज हम आप जिनको भगवान शिव का अवतार कहते हैं, तो लगभग ऐसा कहा जा सकता है कि वही पशुपति हैं, है ना। तो पशुपति शील देखते हैं, इनका नाम पशुपति इसलिए है बिकॉज ही इज कंसिडर्ड एज द गॉड ऑफ द एनिमल्स, है ना। अब जब अर्ली ह्यूमन सिविलाइजेशन था उस समय एनिमल्स के साथ कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट था हमारा, है ना, एनिमल्स के साथ कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट था फॉर सर्वाइवल, है ना। तो ऐसे में एनिमल गॉड की भी हम पूजा करते थे सो एज टू, है ना, एश्योर आवर ओन सिक्योरिटी, ठीक है। तो पशुपति जो है वो कौन है, गॉड ऑफ एनिमल्स हैं। तो आप पशुपति सील जब देखेंगे तो उनके चारों तरफ आपको पांच एनिमल्स जो है वो घूमते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। साथ में आपको ब्रोंज डांसिंग गर्ल देखने को मिलेगी, है ना, जो ब्रोंज डांसिंग गर्ल है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, आप कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मटीरियल विच वी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्सकेवेशन ऑफ नॉट ओनली मोहनजोदारो बट एंटायर इंडस्ट्री सिविलाइजेशन, ठीक है। तो ये जो डांसिंग गर्ल है इसका जो पोजीशन है दैट इज द त्रिभंग पोजीशन, है ना, इस डांसिंग गर्ल का जो पोजीशन है दैट इज कॉल्ड एज त्रिभंग पोजीशन, त्रिभंग पोजीशन, राइट सर। चलिए एक और साइट है हमारा चन्नू दारो, इसको एनजी मजुमदार ने 1931 में ढूंढा था। यहां पर जो जो चीजें मिली उनमें इंक पॉट है, लिपस्टिक है, जी हाँ, है ना, लिपस्टिक है। तो लड़कियां सोच रही होंगी सर क्या बात है ना, हमें भी होना चाहिए था उस टाइम पे, लिपस्टिक भी था, है ना, लिपस्टिक, राइट, लिपस्टिक, ठीक है। लिपस्टिक खराब हो जाएगा अगर बिस्कुट खाओगे तो, ठीक है, लिपस्टिक खराब हो जाएगा अगर बिस्कुट खाओगे तो, बिस्कुट मत खाना, राइट। मेटल वर्कर्स, शेल ऑर्नामेंट, है ना, मेकर्स, बीड मेकर शॉप, डॉग्स पॉ इम्प्रिंट, डॉग्स पॉ मतलब कुत्ते का पंजा, ओ माय गॉड सॉरी आई सेड कुत्ता, ना 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 भाई, डॉग लवर्स नाराज हो जाते हैं आजकल, है ना, हिंदी में कुत्ता मत बोलो, है ना, हिंदी में कुत्ता मत बोलो, डॉग बोलो तो ठीक है, कुत्ता बोलो तो खराब है, है ना, डॉग बोलो तो ठीक है, कुत्ता बोलो तो खराब है। चलिए अब आपको क्या बताएं हम, आजकल की जो जनरेशन है ना वो बड़ी विशेष है, खास है ना, उनको समझ में नहीं आता कि आखिर हम हैं इधर या इधर, है ना, तो बड़े कंफ्यूज जनरेशन है। खैर हम बात कर रहे थे शेल ऑर्नामेंट मेकर्स की, बीड मेकर्स की, है ना, डॉग के प्रॉ के इनप्रिंट मिले हैं ब्रिक्स पर, टेराकोटा मॉडल ऑफ बुल्लॉक कार्ट, है ना, बुल्लॉक कार्ट मतलब क्या होता है भैया, है ना, बुल्लॉक कार्ट मतलब होता है बैल गाड़ी, कार्ट मतलब गाड़ी, बुल्लॉक, है ना, बैल, तो बुल्लॉक कार्ट यानी कि बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी का टेराकोटा से बना हुआ मॉडल मिला, है ना, मतलब कहीं ना कहीं इस बात का एविडेंस है ये कि बैलगाड़ी जैसी चीज उस समय हुआ होती होगी। आज जैसे बच्चे किस चीज से खिलौना क्या खेलते हैं भाई, तो हेलीकॉप्टर, प्लेन, ट्रेन, ट्रक, कार, यही तो है बच्चों को खिलौने, तो खिलौने भी वही हैं जो एक्चुअली रियल में बाहर में होता है ना। तो उस समय अगर बुल्लॉक कार्ट, है ना, का मॉडल देखने को मिल रहा था तो कहीं ना कहीं ये सिग्निफाई कर रहा था कि उस समय बुल्लॉक कार्ट, है ना, आ चुका था, ठीक है जी। ब्रोंज के टॉय कार्ट भी देखने को मिले। अब आप बोलेंगे सर टॉय आपको टेराकोटा के भी दिख रहे हैं, ब्रोंज के भी दिख रहे हैं, ये क्या चक्कर है, मतलब दोनों के टॉयज होते थे क्या? आज तो ज्यादातर आपको जैसे प्लास्टिक के टॉयज दिखते हैं, तो उस समय ब्रोंज के भी टॉय होते थे और टेराकोटा के भी टॉय होते थे। बोथ वेयर बेसिकली यूज बाय पीपल ऑफ डिफरेंट सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स। फॉर एग्जाम्पल ब्रोंज वॉज सपोज टू बी फॉर द इलीट ग्रुप, है ना, जो थोड़ा प्रॉस्पेरस ग्रुप है वो ब्रोंज यूज करते थे। जो मेरे आपके जैसे आम लोग हैं, है ना, आम जनता जो है, आम आदमी जो है, वो क्या यूज करती थी, वो टेराकोटा के प्रोडक्ट्स यूज करती थी, ठीक है। दूसरा एक साइट है, अच्छा, चन्नू दारो जो है वो इंडस नदी के तट पे ही, आप ध्यान रखिएगा, है ना, सिंधु नदी के तट पे। दूसरा एक साइट है लोथल, लोथल जो है वो भोगावा, है ना, नदी के तट पर है। इसको एस राव ने 1953 में, है ना, डिस्कवर किया, आजादी के बाद डिस्कवर किया था। ये इंपॉर्टेंट नेवल ट्रेड का साइट था, या आप कह सकते हैं मैरीटाइम ट्रेड का साइट था,
है ना, मैरी टाइम शब्द यूज करना ज्यादा उचित रहेगा यहां पर, ठीक है। मैरी टाइम ट्रेड का सेंटर था यहां पे, क्रिमेशन साइट आपको देखने को मिलेगा, डॉकयार्ड आपको देखने को मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है यहां पर, डॉकयार्ड है ना। अगर आपको लोथल के बारे में कोई एक पॉइंट बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए तो वो डॉकयार्ड है। ग्रैनरीज है यहां पर, राइस के हस्क है ना, जिसको आप बोलते हैं चावल की भुस्सी, ठीक है, वो देखने को मिला आपको। डबल ब्यूरियल यहां पर आपको देखने को मिला, मेल फीमेल टुगेदर है ना, तो बोलते हैं भैया ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। तो बोले जब जन्मों का संगम है तो मरने के बाद भी साथ में है ना लेट जाओ, राइट, तो मरने के बाद भी साथ में लेट जाते थे, ये बंधन तो प्यार का संगम है, मेल एंड फीमेल टुगेदर, राइट सर एंड मैम, कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई दुख और कोई दर्द हो तो मुझे जरूर बताएं। लाख दुखों की एक दवा है, काहे घबराए, डीएन लाइव लगाएं, है ना, तो एक ही दवा है भैया, डीएन लाइव लगाएं, कहां, यहां, सब्सक्रिप्शन में डीएन लाइव लगाने की बात नहीं कर रहा, वो तो आप वैसे ही लगा दोगे, है ना, वो तो जब प्लस पे बच्चे आते हैं तो आप वैसे ही लगा देते हैं, ठीक है, बट मैं कह रहा हूं डीएन लाइव यहां लगाओ, डी एन लाइव, कि जब तक सर लाइव है हमारे सामने अनअकैडमी यूपीएससी पर, तब तक हम रुकेंगे नहीं, है ना, तब तक हम रुकेंगे नहीं, और सर हमेशा आपके लिए लाइव है, हमेशा आपके लिए लाइव है ना। आपको हो सकता है मैं फिजिकली ना दिख रहा हूं, मन की आंखों से देखोगे मैं हमेशा दिखूंगा, ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है दैट आई एम ऑलवेज विथ यू, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, है ना, बस आपको जरूरत है किस चीज की, आपको जरूरत है एक डिसिप्लिन की, है ना। पर्टिकुलरली जो लोग इस बार के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं, एट दिस स्टेज ऑफ टाइम इफ दे नीड वन थिंग द मोस्ट दैट इज नथिंग एल्स बट डिसिप्लिन, है ना। अभी प्लस वाले जो हमारे बच्चे हैं, एक प्लस पे मेरा 9 तारीख से बैच आ रहा है, और उसके साथ ही पैरेलल में है ना जो डीएन लाइव के बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए एक स्पेशल टेस्ट सीरीज, मतलब अनअकैडमी की तरफ से जो टेस्ट सीरीज मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, उसके अलावा जो डीएन लाइव वाले बच्चे हैं उनके लिए एक स्पेशल टेस्ट सीरीज है ना, पर्टिकुलरली डिजाइन फॉर डीएन लाइव स्टूडेंट्स, हम 9 तारीख से शुरू करने वाले हैं। और उस टेस्ट सीरीज में सबसे मजे की बात यह है कि रोज सुबह 7 बजे आपकी नींद खराब कर दी जाएगी, है ना, रोज सुबह 7 बजे आपकी नींद खराब कर दी जाएगी, मंडे टू फ्राइडे सुबह 7 बजे बैठकर आप टेस्ट दे रहे होंगे, जब तक प्रीलिम्स होगा तब तक, प्रीलिम्स से एक हफ्ता पहले या 10 दिन पहले आपको छुट्टी दे देंगे, 9 तारीख से शुरू होंगे, डेली मॉर्निंग में 7 AM पे बैठ के आप टेस्ट दे रहे होंगे, एक्सक्लूसिवली फॉर डीएन लाइव स्टूडेंट्स, सामने कैमरा चालू रहेगा आपका, है ना, सामने कैमरा चालू रहेगा, एक बच्चे को मैंने मॉनिटर बना दिया है और चल रहा है वहां पे पूरा काम, है ना, डेली आप टेस्ट देंगे 30 क्वेश्चंस, और उसके बाद जो तैयारी होगी ना वो सॉलिड होगी, और ऐसा नहीं कि हैफजर्ड कुछ भी, एक पूरा का पूरा शेड्यूल बना रहे हैं उनके लिए, है ना, एक उनका पूरे लिए पूरा का पूरा शेड्यूल बन रहा है उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए, और उस शेड्यूल के हिसाब से वो अपनी रिविजन को करेंगे और जिस टॉपिक को पढ़ा उसी का टेस्ट देंगे। ऐसा नहीं कि आर्बिट्री आज फलाना का दे दिया तो कल ढिकाना का दे दिया, ना, आज अगर पार्लियामेंट और फंडामेंटल राइट पढ़ना है तो कल के सुबह में पार्लियामेंट और फंडामेंटल राइट का ही टेस्ट देंगे, ठीक है। एक सिस्टमैटिक तरीके से डीएन लाइव वाले बच्चों के लिए हम यहां पर इसको क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो जब आपने भरोसा किया है, जब आपने भरोसा किया है तो उस भरोसे का आउटकम भी आना चाहिए, है ना। जब आपने ठान लिया है कि यूपीएससी करना है, प्रीलिम्स क्रैक करना है एट एनी कॉस्ट, तो आपके इस संकल्प में मेरा संकल्प भी आपके साथ है ना। मैं खूंटा हूं, खूंटा, खूंटा समझते हो, जो देसी बालक होंगे या देसी बालिका होंगे वो समझते होंगे खूंट, है ना। तो खूंट जो है वो बिल्कुल जमीन में गड़ा रहता है और हमेशा है ना किसी भी गौ माता को या किसी भी बछड़े को भागने नहीं देता, खूंट जो है वो बांध कर रखता है। मैं वो खूंट हूं, मैं वो खूंट हूं, है ना, आपको पकड़े रखूंगा, कहीं जाने नहीं दूंगा, भटकने नहीं दूंगा। बस आपको ये संकल्प लेना है कि इस डिसिप्लिन लाइफ के साथ मैं अपने आप को सिंक्रोनाइज कर लूं, आप उस डिसिप्लिन लाइफ के साथ अपने आप सिंक्रोनाइज हो जाइए और फिर आप देखिए मजा। और ऐसा नहीं है कि सारी चीजें मैं प्लस वालों के लिए शुरू करता हूं, अभी हमने लक्ष्य सीरीज आप लोगों के लिए शुरू किया है, करंट अफेयर्स का एमसीक्यू, जिसमें जो अभी करंट अफेयर्स चल रहा है, डेली करंट अफेयर्स उसको भी कवर कर रहे हैं और पास्ट वन ईयर का भी करंट अफेयर कवर कर रहे हैं, है ना। इस सेशन के बाद डेली वो सेशन हुआ करेगा, आज 9 बजे है, है ना, कल से कोशिश करेंगे ये वाली सेशन को हम 7 बजे शुरू कर लें, तो फिर उसको 8:15 बजे किया करेंगे, आज के लिए वो 9 बजे अनअकैडमी के ऐप पे, है ना, फ्री सेशन है, कोई भी अटेंड कर सकता है,
ठीक है। और बाकी अगर आप प्लस में हैं तो बहुत अच्छी बात है, प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, तो और कौन कौन से साइट हैं भाई? धोलावीरा एक साइट है। धोलावीरा जो साइट है वो लूनी नदी के तट पे है। लूनी बड़ा इंपॉर्टेंट नदी है ना, इनलैंड ड्रेनेज आज भी है ये नदी राजस्थान की, है ना, वन ऑफ द मेजर बेसिन जो है वो लूनी रिवर का बेसिन है राजस्थान का। तो धोलावीरा है ना लूनी नदी के तट पे। इस साइट को आर बिस्ट साहब ने 1985 में डिस्कवर किया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ का यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है ना, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। ओनली साइट डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ये जो साइट है ये दो हिस्सों में नहीं बल्कि तीन हिस्सों में बटा हुआ है, है ना, ये दो हिस्सों में नहीं बल्कि तीन हिस्सों में बटा हुआ है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि दिस साइट इज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स, है ना, ठीक है जी। कंफर्टेबल है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। एक बार मुझे फोन चार्ज में लगाने दो, बैटरी लो हो गई मेरे फोन की, है ना, सिर्फ फोन की हुई है, मेरी नहीं हुई, चिंता ना करना तुम, है ना, कभी होती नहीं है अपनी, ठीक है, कभी होती नहीं है अपनी, आ जाए। तो दूसरा साइट क्या है? अच्छा, यहाँ पे आपको मेगालिथिक स्टोन सर्कल भी देखेगा। मेगालिथिक मतलब बड़े स्टोन स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो मेगालिथिक स्टोन सर्कल भी देखने को मिलेगा। धोलावीरा इज इंपॉर्टेंट साइट, अभी करंट अफेयर्स में था क्योंकि इसको यूनेस्को, है ना, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में एंट्री मिल गई है, ठीक है। यूनेस्को जो आप वर्ल्ड हेरिटेज की बात करेंगे तो दो प्रकार के यूनेस्को के हेरिटेजेस होते हैं, है ना, दो प्रकार के हेरिटेज की प्रोटेक्शन यूनेस्को करता है, एक टेंजिबल हेरिटेज, एक इनटेंजिबल हेरिटेज। फॉर एग्जांपल योगा इज अ टेंजिबल हेरिटेज प्रोटेक्टेड बाय यूनेस्को। फॉर एग्जांपल रामलीला, है ना, इज अ इनटेंजिबल हेरिटेज, ठीक है। योगा और रामलीला क्या इनटेंजिबल, ठीक है। बट ताजमहल की बात करेंगे, है ना, हुमायूं टॉम्ब की बात करेंगे, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करेंगे, तो दीज आर टेंजिबल, ठीक है, दीज आर टेंजिबल क्या साइट्स। तो टेंजिबल साइट्स और इनटेंजिबल दो तरह के यूनेस्को के लिए हेरिटेज हो सकते हैं, दो तरह के चीजों के लिए यूनेस्को रिकॉग्निशन देता है। तो धोलावीरा जो है वो अब क्या है, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आ गया है। जो हमारे कल्चरल साइट्स हैं, जो टेंजिबल साइट्स हैं, उनको आप दो, है ना, कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। टेंजिबल साइट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, राइट, टेंजिबल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, वन इज नेचुरल, अनदर इज कल्चरल, ठीक है। एक थर्ड कैटेगरी भी आ गया है, दैट इज मिक्स्ड। मिक्स्ड में नेचुरल प्लस कल्चरल, ठीक है, नेचुरल प्लस कल्चरल, ठीक है जी। तो ये है धोलावीरा का साइट, राइट। इसके अलावा आप देखेंगे गुजरात में भी एक, गुजरात में ही एक दूसरा साइट है सरकोटदा, है ना। सरकोटदा का जो साइट है इसको एस जोशी साहब ने 64 में डिस्कवर किया। ये इकलौता ऐसा साइट है जहां पे हॉर्स के रिमेन्स देखने को मिले हैं। यहाँ पे ओवल ग्रेव है, है ना, पॉट ब्यूरियल्स देखने को मिले हैं, सोल्जर्स साइन ऑन पॉट शर्ट, ठीक है। इसके अलावा कालीबंगन जो है वो बहुत फेमस साइट है। यहाँ पे चूड़ियां, है ना, चूड़ियों का इंडस्ट्री, चूड़ियों का कारोबार हुआ करता था। घग्घर नदी के तट पर है ये, है ना, ए घोष के द्वारा डिस्कवर था। बैंगल फैक्ट्री है यहाँ पे, प्लॉड फील्ड सर्फेस और कैमल बोन्स और फायर एल्टार्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। फायर एल्टार्स मने क्या होता है, है ना, तो वो गाना है ना आपका, हवन करेंगे हवन करेंगे, तो हवन कुंड जो है दैट इज कॉल्ड एज फायर एल्टार्स, ठीक है। तो हवन कुंड है यहाँ पे, कैमल बोन्स है और प्लॉड फील्ड सर्फेस है, ये सारी चीजें आपको कालीबंगन के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है जी, कंफर्टेबल। चलिए, अगर यहां तक की बात हो गई तो जरा एक बार थोड़ा, है ना, दूसरी तरफ से चलते हैं गाड़ी घुमाकर, है ना, और गाड़ी घुमाकर दूसरी तरफ से चलते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स की बिल्कुल सॉलिड तैयारी करनी है, बिल्कुल मजबूत तैयारी करनी है, मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी कसर छोड़ें। तो एक बार हम राज्यों की दृष्टि से देखते हैं कि कौन कौन से राज्य में कौन कौन से साइट है, है ना, कौन कौन से राज्य में कौन कौन से साइट है। तो प्रीलिम्स की एकदम सुदृढ़ तैयारी नंदन सर के साथ, ठीक है। हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो एक इंपॉर्टेंट राज्य है हरियाणा, काफी सारे साइट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक साइट है यहाँ पे बनावली, जो घग्गर नदी के तट पे है, है ना, ओवल सेटलमेंट है। लैक ऑफ सिस्टमैटिक ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, सिस्टमैटिक ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। बार्ले ग्रेन्स मिलेंगे, लैपिस लजूली, फायर आल्टर, हवन कुंड, ओनली सिटी विथ रेडियल स्ट्रीट्स, है ना। बाकी शहरों में आपको देखने को क्या मिल रहा था, रेक्टेंगुलर, है ना, रेक्टेंगुलर 90 डिग्री पर यहाँ पर रेडियल स्ट्रीट्स हैं जी, ठीक है। यहाँ पर कैसे स्ट्रीट्स हैं, रेडियल स्ट्रीट्स हैं जी, ठीक है जी, रेडियल स्ट्रीट्स हैं ऐसे, ठीक है, रेडियल स्ट्रीट्स हैं, इस प्रकार से यहाँ पे स्ट्रीट्स बने हुए हैं, ठीक है। तो रेडियल स्ट्रीट्स कहाँ है, हरियाणा के
बनावली में। हरियाणा में ही एक दूसरा साइट है जिसका नाम है राखीगढ़ी, ये भी घग्गर नदी के ही तट पर है और ये भारत का है ना लार्जेस्ट साइट है। भारत में जो इंडस वैली के साइट्स हैं उनमें लार्जेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे ग्रैनरी, सिमेट्री, ड्रेन्स है ना, और टेराकोटा के ब्रिक्स आप देख सकते हैं। इसी के साथ हरियाणा में एक और साइट है जिसका नाम है भगवानपुरा, है ना, भगवानपुरा। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में सतलज नदी के तट पे एक इंपॉर्टेंट साइट है जिसको हम लोग कहते हैं रोपर, है ना। रोपर एक पंजाब में जगह है, आपने नाम सुना ही होगा, है ना। रोपर के पास वेटलैंड भी है। तो डॉग ब्यूरिड विथ ह्यूमन ओवल पिट ब्यूरियल, कॉपर का एक्स, है ना, फर्स्ट साइट टू बी एक्सकवेटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस, है ना, आजादी के बाद एक्सकवेट होने वाला पहला साइट है पंजाब का, रोपर का साइट, ठीक है। और ध्यान देंगे यहाँ पे डॉग ब्यूरियल भी देखने को मिला है आपको। उत्तर प्रदेश की अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में मैंने आपको सबसे बताया कि सबसे पूर्व का जो साइट है ना, ईस्टर्न मोस्ट साइट है ना, तो आलमगीरपुर, ये यमुना नदी के तट पे है। यहाँ पे ब्रोकन कॉपर प्लेट आपको मिले हैं, कॉपर प्लेट मिले हैं और सिरेमिक के आइटम्स देखने को मिले हैं। जो इम्प्रेशन है ऑफ क्लॉथ ऑन अ ट्रफ यहाँ पे देखने को मिला है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में और भी कुछ साइट्स हैं जैसे कि मानपुर, बड़गांव, है ना, बड़गांव एक काफी कॉमन नेम है, आज भी आपको काफी सारी जगहों पे देखने को मिलेगा, है ना, हुलास, है ना, सनौली, ये सारे उत्तर प्रदेश के कुछ साइट्स हैं। महाराष्ट्र की बात करें, मैंने आपको बताया सदर्न मोस्ट अगर आप जाएंगे तो महाराष्ट्र तक इसका एक्सटेंड था। यहाँ पे दाइमाबाद नामक एक साइट है, प्रवरा इसको बोलते हैं, यहाँ पे ब्रॉन्ज इमेज मिला है, ठीक है। यहाँ पे एक जो रथ का वाहक है, सारथी है, उसके साथ रथ और ऑक्स, एलिफेंट, राइनोसेरस, इन सब चीजों को है ना आप यहाँ पे ये साइट में देख सकते हैं दाइमाबाद की, ठीक है। इसके अलावा है ना जो हमारा टॉपिक बच जाता है वो है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है, है ना। तो कल के सेशन में जब हम लोग मिलेंगे तो फीचर्स पर डिस्कशन करेंगे, है ना। टुमारो व्हेन वी मीट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना, इन डिटेल। आज हमने फीचर्स पर थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था, कल के सेशन में हम लोग इस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो कल के सेशन में आप मेरे साथ 7 बजे जुड़िएगा। अभी के लिए यहीं पे रुकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज 9 PM पे, है ना, टुडे एट 9 PM यू हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, ठीक है, लक्ष्य का, ठीक है, लक्ष्य करंट अफेयर्स 9 PM पे है आपके लिए, इसको जरूर अटेंड कीजिएगा। और काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स है पिछले 1 ईयर का, वो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे आपके लिए। और साथ में ध्यान देने वाली बात ये भी है कि लक्ष्य का जो हमारा सेशन होता है ना, इसमें हम डेली करंट अफेयर्स भी कर रहे हैं। तो डेली करंट अफेयर्स, इनफैक्ट जो फैक्चुअल्स छोटे छोटे रह जाते हैं जो मैं आपको मॉर्निंग सेशन में नहीं पढ़ाता, वहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा वो, है ना, MCQ के माध्यम से। तो इस सेशन को जरूर अटेंड कीजिएगा, आज 9 बजे है, कल से कोशिश करेंगे कि हम 8:15 बजे इस सेशन के लिए आपके साथ जुड़े। अभी के लिए यहीं पर रुकते हैं, और मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं अनअकैडमी पे, मेरी टीम के साथ आप जुड़ सकते हैं 3 माध्यमों से। पहला माध्यम जिस पर आप अभी मुझे देख रहे हैं, यानी कि YouTube का प्लेटफॉर्म, है ना, 2 YouTube चैनल पे मेरी क्लास होती है, एक इसी YouTube चैनल पे साढ़े आठ बजे जो मेरी करंट अफेयर्स की क्लास है, जो YouTube पे करंट अफेयर्स की क्लास है, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको हम मेंस मंथन के दृष्टि से देख रहे हैं, मंथन की क्लास 8:30 बजे दूसरे YouTube चैनल पर होती है। तो जरूरी है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहे, है ना, ये टेलीग्राम चैनल है @arohan1, ठीक है। या अगर सामान्य रूप से आप मेरा नाम लिखकर ढूंढेंगे दुर्गेश नंदन सर अनअकैडमी, तो भी आपको यही टेलीग्राम चैनल मिलेगा, URL ये है, नाम है दुर्गेश नंदन सर अनअकैडमी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। सुबह YouTube पे क्लास होती है 8:30 बजे, फिर शाम के 7 बजे यहाँ होती है। इसके अलावा आप मेरे साथ स्पेशल क्लास पे जुड़ सकते हैं, आज 9 बजे मिलेंगे, और साथ ही साथ आप मेरे साथ अनअकैडमी प्लस यानी कि अनअकैडमी के पेड प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी प्लस यानी कि अनअकैडमी के पेड प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए अभी काफ़ी सारे ऑफर्स चल रहे हैं, मल्टीपल ऑफर है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे बड़ा फायदा यह है अनअकैडमी प्लस का कि एक ही जगह पे आपको सारी चीजें मिल जाती है, है ना, आपको GS, ठीक है, ऑप्शनल GS का टेस्ट सीरीज, है ना, प्री का टेस्ट सीरीज, मेंस का टेस्ट सीरीज, ऑप्शनल की क्लासेस, ठीक है, और ऑप्शनल के टेस्ट सीरीज, दोनों चीजें, GS की भी क्लासेस, टेस्ट सीरीज, दोनों चीजें, ठीक है। और साथ में आपको यहां पे बुक्स, कंप्लीट बुक्स, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। और जब आप, है ना, ज्वाइन करते समय इस कोड का प्रयोग करते हैं, जब आप ज्वाइन करते समय इस कोड का प्रयोग करते हैं DN Live, तो आपको क्या मिलेगा, DN Live के कोड को प्रयोग करने पे, है ना, DN Live के कोड को प्रयोग करने पे आपको मेरा गाइडेंस मिलता रहेगा, और साथ ही साथ मेरे जो स्पेशल टेस्ट सीरीज होंगे वो भी आपको मिलेंगे, है ना। तो मेरे स्पेशल टेस्ट सीरीज और मेरे गाइडेंस के लिए आप DN Live का कोड का प्रयोग कर सकते हैं।
और जो मेरा प्रीलिम्स 2021 के लिए अलग से टेस्ट सीरीज शुरू होने वाला है DNLI वाले बच्चों के लिए, वो इस महीने की 9 तारीख से शुरू होने वाला है। 9 तारीख से ही अनअकैडमी पर मैं एक बैच भी शुरू कर रहा हूँ अनअकैडमी प्लस पर, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ने का माध्यम क्या, कोड DNLIVE है ना, D फॉर दुर्गेश, N फॉर नंदन, लाइव बिकॉज आई कम लाइव डेली है ना, या आप कह सकते हैं डाउट नाशक लाइव। तो डाउट नाशक लाइव या DNLIVE इज द कोड, आप उसको यूज करके अनअकैडमी प्लस पर मेरे साथ जुड़िए। मल्टीपल ऑफर्स अभी चल रहे हैं, क्या क्या ऑफर्स हैं एक बार मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, बट उससे पहले ये भी जानना जरूरी है कि क्या मिलेगा यहाँ पे। बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेंगे, आप आज ज्वाइन करेंगे तो अगले एक साल तक का पूरा प्लान आपको मिल जाएगा कि किस डेट पर आपकी कौन सी क्लास है किस टाइम। GS ऑप्शनल CSAT सब कुछ आप टॉप एडुकेटर्स के साथ कर रहे होंगे, टेस्ट सीरीज मैंने आपको बताया साथ में अवेलेबल है, क्विजेस भी अवेलेबल है, डाउट सेशंस भी वहां पे अवेलेबल है। एक ही सब्सक्रिप्शन में सारे फायदे आपको मिल रहे हैं, यू विल नॉट हैव टू पे इवन अ सिंगल पेनी फॉर एनीथिंग एक्स्ट्रा है ना, कि बुक्स के लिए अलग से करना है, ऑप्शनल के टेस्ट सीरीज का अलग से पैसे देने, बिल्कुल नहीं जी। आपने एक बार पेमेंट कर दिया उसके बाद आपको कोई पैसे नहीं देने, सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी, सारी की सारी क्लासेस लाइव हैं, लाइव के बाद रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप जितनी बार देखना चाहें देख सकते हैं, क्योंकि क्लासेस लाइव है तो वहां पर आप इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। और अब तो हमने प्लस में वॉइस है ना इंटरेक्शन का भी सिस्टम ऑन कर दिया, कोई स्टूडेंट अगर रेज हैंड करे तो टीचर चाहे तो उसके साथ वॉइस कम्युनिकेशन भी कर सकता है ना वहीं पर उसी प्लेटफॉर्म पे। जब भी आपने ज्वाइन करना है तो आपने यही वाला कोड यूज करना है DNLIVE, सो दैट आप मेरे साथ जुड़ पाए, आपको मेरा गाइडेंस मेरा सपोर्ट मिल पाए, प्रो टिप्स मिल सके मेरी तरफ से, ठीक है। इसके अलावा जो ऑफर अभी चल रहे हैं मैं आपको एक बार जल्दी बता देता हूँ। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन जो है वो आप अभी ले सकते हैं मात्र 49,000 में, क्योंकि 1 ईयर सब्सक्रिप्शन पे 27,000 का ऑफ है। 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन आप 71 में ले सकते हैं क्योंकि 2 ईयर में 40,000 का ऑफ है। इसी प्रकार से 3 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो उसमें भी काफी ऑफ चल रहा है, साथ में प्रीलिम्स का मेंस का टेस्ट सीरीज जो है वो भी आपको फ्री में मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारी ऑफर्स अभी चल रहे हैं, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो 18 तारीख तक ये मल्टीपल ऑफर्स वैलिड है, ठीक है जी। आप देखेंगे ऑप्शनल कार्निवल है 11 तारीख और 18 तारीख से ऑप्शनल के कई सारे बैचेस शुरू हो रहे हैं। पवन कुमार सर दिल्ली में काफी समय से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाते रहे हैं, काफी सारे टॉपर्स इनके स्टूडेंट हैं, उनका बैच 11 तारीख से शुरू हो रहा है। प्रवीण किशोर सर सोशियोलॉजी के मास्टर रहे काफी समय से दिल्ली के ऑफलाइन में है ना सोशियोलॉजी ऑप्शनल पढ़ा रहे हैं, तो उनका भी सोशियोलॉजी का बैच शुरू हो रहा है, ठीक है। इशरात जावेद सर जो है उनका हिस्ट्री ऑप्शनल का बैच शुरू हो रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे गौरव झा मेरे फ्रेंड हैं, इनका जो PSIR का बैच है वो शुरू हो रहा है ना। विनक्का सर है इनका मैथ्स का बैच शुरू हो रहा है। राकेश वर्मा सर रिटायर्ड IAS हैं, उनका आप देखेंगे पब्लिक एड का बैच शुरू हो रहा है। रजनीश राज बहुत लंबे समय से हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, लंबा अनुभव है इनके पास है ना, और ये भी यहाँ पर हिस्ट्री ऑप्शनल का बैच लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे हीमा बिंदु मैम, आज तक एंथ्रोपोलॉजी में जितने भी टॉपर्स रहे होंगे ज्यादातर टॉपर्स जो है वो हीमा बिंदु मैम के स्टूडेंट है, वाजीराम में काफी वर्षों से पढ़ा रही हैं, इनका बैच जो है 18 तारीख से शुरू होने वाला है। साथ ही साथ अशोक कुमार सर का जूलॉजी शुरू होने वाला है, हिस्ट्री का ऑप्शनल अगर आप करना चाहते हैं तो प्रतीक नायक सर का बैच शुरू होने वाला है, हिंदी लिटरेचर का बैच शुरू होना है, तो काफी सारे बैचेस शुरू होने वाले हैं इस महीने में। तो दिस इज द राइट टाइम, मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम है ना, इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन द सब्सक्रिप्शन दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम। 21 टेस्ट 21 टेस्ट आपको ऑप्शनल के फ्री में मिल रहे हैं, जिसमें से 16 सेक्शनल है, 5 फुल लेंथ है, ठीक है, आप इनका फायदा उठाइए। जल्दी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की प्राइसेस भी बढ़ने वाली हैं, तो इसलिए बढ़िया होगा अगर आप उससे पहले ही ज्वाइन कर लें तो, ठीक है। प्रेजेंट में आपको ये सारी चीजें 1 ईयर के लिए अगर आप लेते हैं तो 49,000 में मिलेंगी। CSE एश्योर हमारी तरफ से चल रहा है, अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं बट 2 साल के एंड पे आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन हम आपको है ना फिर से देंगे, सो दैट आप अपनी तैयारी रख सकें उसके लिए, हालांकि कुछ कंडीशंस रखे हैं हमने है ना। मेंटरशिप डेज हैं यहाँ पे, आप देखेंगे अगर आप आइकोनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा है ना और कुछ ऐड करने से आपको काफी सारे बेनिफिट्स यहाँ पर मिल जाएंगे है ना। तो अगर आइकोनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी बेस्ट टाइम है। आप जो भी सब्सक्रिप्शन लें, चाहे 1 ईयर का लें या 2 ईयर का लें, अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं आज 6 तारीख है तो अगले साल 6 तारीख में साधारण तौर पे खत्म हो जाती है, बट हमारे पास ऐसा नहीं सिस्टम है। हमने यहाँ पर आपकी सहूलियत के लिए क्या किया है कि जब तक आपकी मेंस की परीक्षा नहीं होगी तब तक वो सब्सक्रिप्शन वैलिड रहेगी, मतलब लगभग लगभग आपको 4 से 5 महीने हम एक्स्ट्रा में देंगे है ना। 2023 वालों के बच्चे जो है जो 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे उनका भी मेंस जब होगा तभी उनका सब्सक्रिप्शन खत्म होगा। साथ में यहाँ पे 80 GS के टेस्ट भी हम फ्री में दे रहे हैं, 50 प्रीलिम्स के हैं उसमें 30 मेंस के हैं, तो ऑप्शनल के टेस्ट, फ्री के टेस्ट, मेंस के टेस्ट और 20 किताबें जिसमें कि हम PYQs, करंट अफेयर सब कुछ अपडेट कर चुके हैं, टॉप एडुकेटर्स ने मिलकर बनाई है इन किताबों को, बहुत बढ़िया किताब है, अल्टीमेट सोर्स है। अगर आपको लगता है कि फाइनेंशियल कोई दिक्कत है तो लोन की भी सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं हम है ना, टेलीग्राम पे आप लोन के लिए संपर्क कर सकते हैं हमसे।
वन ईयर का जो बैच है वो हम शुरू कर रहे हैं 9 तारीख से, है ना। आप जरूर जुड़ें, अगर आप 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो 11 तारीख से जो मेरा बैच शुरू हो रहा है उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है अभी ज्वाइन करने का। 11 तारीख से जो प्रीलिम्स का बैच शुरू हो रहा है उसमें भी मेरी क्लासेस हैं, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे एमसीक्यूज का बूस्टर बैच है, तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको रिवाइज वगैरह करवाया जाएगा यहाँ पे। तो आप इसमें जुड़ें, 9 तारीख वाली बैच में जुड़ें, है ना। कहीं पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तमिल का भी एक बैच हम लोग शुरू कर रहे हैं, 18 तारीख से शुरू होने वाला है। तो अगर तमिल मीडियम के बच्चे हों तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं सिर्फ जीएस का सब्सक्रिप्शन चाहिए, ऑप्शनल का नहीं चाहिए, तो सिर्फ जीएस का सब्सक्रिप्शन यू कैन टेक फॉर 44,000, है ना। डीएन लाइव कोड यूज कर सकते हैं यहाँ पे भी। जीएस में दो प्रकार के आपके पास सब्सक्रिप्शन है अभी तक, जितनी भी चीजें आपको बताई वो सारी चीजें अनअकैडमी प्लस में अवेलेबल है। प्लस से भी एडवांस लेवल पे एक चीज है हमारे पास आइकॉनिक, इसकी फी थोड़ी सी ज्यादा है आप देखेंगे, पर डिस्काउंट यहाँ पे भी मिल जाएगा आपको डीएन लाइव कोड यूज करके। बट इसमें एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, क्यों फीस ज्यादा है? इसकी फीस ज्यादा इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको पर्सनल गाइडेंस के लिए मेरे अलावा हम एक और मेंटर अलॉट करवा देंगे। टेस्ट एनालिसिस होगा आपका यहाँ पे, एक्सपर्ट गाइडलाइंस मिलेगी, है ना, एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल मिलेंगे, स्टडी प्लानर होगा। तो ये कुछ अतिरिक्त सुविधाएं, इसलिए फी थोड़ी सी ज्यादा है। आप आइकॉनिक का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे जाइए, आपको सब्सक्रिप्शन का लिंक यहीं पर मिलेगा, ठीक है। सब्सक्रिप्शन लिंक यहाँ पे मिलेगा। और अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी इनअप्रोप्रिएट लगता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, उसके माध्यम से हमें बता सकते हैं। अभी के लिए यहीं पे रुकते हैं, दोबारा मिलेंगे 9 बजे, है ना, अनअकैडमी के ऐप पर फ्री क्लास में। अगर वहां पर आपसे एक्सेस कोड पूछा जाए, अगर आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं तो एक्सेस कोड में आपको डीएन लाइव डाल देना है, ठीक है। डीएन लाइव एक्सेस कोड होगा, इस एक्सेस कोड को यूज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के लिए यहीं पे रुकते हैं, दोबारा मिलेंगे 9 बजे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, लेट्स क्रैक इट।